कैसे मैं अपने चेहरे को छिपाऊं। मैं कहीं भी कभी देखती थी कि मैं अपने चेहरे पर मास्क लगा लूं या यहाँ पर इस तरीके से नकाब बांध लूं, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन ये सब आइडिया जो है फेल हो चुके थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैं अपने फेस को छुपाऊं। लेकिन कुछ लेडीज़ होती है, कुछ लड़कियाँ होती है, जैसे मेरी तरह कुछ लड़कियाँ होती हैं जो अपने फेस को शो नहीं कराना चाहती हैं। बहुत सारे रीजन्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक सपोर्ट फरा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो है राज शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है इस चेहरे का राज। इस चेहरे का क्या राज है? आप ये जो चेहरा देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये मेरा कोई रियल चेहरा नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपके सामने ये आकर बताऊं कि ये मेरा फेस जो है रियल है या फेक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, जो मुझसे मालूम कर रही हैं कि आप इस फिल्टर का कैसे यूज़ करती हो। सो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपके सामने इस तरीके से आकर बताऊंगी इस फिल्टर का राज, कि मैं इस फिल्टर का यूज़ करती हूँ, कैसे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, कौन से एप्लीकेशन से मैं इस फिल्टर का यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये जो मेरा फेस है, ये मेरा कोई रियल फेस नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप या हम जो है अपने कैमरे पर फेस शो नहीं कराना चाहते हैं। कुछ फैमिली इशू होता है, कुछ और भी रीज़न होता है जिसकी वजह से हम अपना फेस कैमरे पर शो नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन हम कैमरे पर आना चाहते हैं, अपनी जो अंदर की स्किल्स है उसे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ इशू की वजह से हम अपना फेस जो है शो नहीं कर सकते हैं। फैमिली इशू हो सकते हैं, आपका कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप अपना फेस जो है रियल वाला फेस आप शो नहीं करना चाहते हो। लेकिन जो अगर आप रियल जो फेस यूज़ नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप इस तरीके से मेरी तरह फ़िल्टर का यूज़ करके अपने स्किल्स को यहाँ पर YouTube पर ला सकते हो, आपके अंदर जो भी स्किल्स है, सो आप इस तरीके का फ़िल्टर का यूज़ करके वीडियो बना सकते हो। कैसे मैं इस फिल्टर एप्लीकेशन से मैं ये फ़िल्टर अपने फेस पर ऐड करती हूँ, जो कि किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर अपनी नेक को हिलाऊं और ये आपके चेहरे पर एडजस्ट रहता है। यानी आप कहीं को भी मूव कर सकते हो और आपके फेस पर ये एडजस्ट करेगा। कौन से एप्लीकेशन से आप ये फ़िल्टर ऐड करोगे, कैसे आप इसका यूज़ करोगे, सभी कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सो अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आपको ऐसे AI से रिलेटेड वीडियोस बनाना के बारे में बताती रहती हूँ। और अगर आप चाहते हो इस फिल्टर का राज, अगर आप चाहते हो इस फिल्टर का यूज़ हमें कैसे करना है अपनी वीडियो में, सो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और सीखना है, अगर आप भी चाहते हो इस तरीके का फ़िल्टर का यूज़ करना। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं इस फिल्टर का कैसे यूज़ करना है और कैसे आप वीडियोस बना सकते हो। इस तरीके के फ़िल्टर्स और भी अवेलेबल है, लेकिन जो मेरे चेहरे पर अच्छा लगा मैंने उसी को सिलेक्ट किया है। सो मैंने ये फ़िल्टर कैसे यूज़ किया है, सो आइए चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कैसे आपको फ़िल्टर ऐड करना है अपने फेस पर। सो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से स्नैपचैट नाम के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पर ऊपर सर्च बार नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बैक कैमरा चलाया हुआ है और मुझे चाहिए फ़िल्टर। सो आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, जैसे ये वाला एक फ़िल्टर है, कुछ इस तरीके का एनिमे टाइप ये फ़िल्टर है, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला फ़िल्टर भी है। बहुत सारे फ़िल्टर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ अपनी वीडियो में, उस फ़िल्टर का क्या नेम है, यहाँ पर आपको टाइप करना है सिबलिंग्स। सो आप जैसे ही यहाँ पर टाइप करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कई सारे फ़िल्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये सेकंड नंबर वाला फ़िल्टर मैं यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है फीमेल ही, यहाँ पर फीमेल के लिए ही फ़िल्टर है, आपको यहाँ पर मेल के लिए भी फ़िल्टर मिल जाएंगे।
और फीमेल के लिए भी फ़िल्टर मिल जाएंगे। सो यहाँ पर जैसे ये वाला फ़िल्टर है, इसे मैं यूज़ करना चाहती हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फ़िल्टर जो है मेरी वीडियो पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का फ़िल्टर हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप चाहते हो वीडियो बनाना, सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से वेट करना है। वेट नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसे फेवरेट सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा ये फ़िल्टर रहेगा ये ऑटोमेटिक हमारा स्क्रीन पर शो हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको ये जो रेड दिल दिख रहा है, आपको इसे रेड कर देना है। सो ये फ़िल्टर हमारा फेवरेट हो चुका है। अभी हमारा जो फ़िल्टर है आपकी होम स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब हम चाहते हैं इस फ़िल्टर का यूज़ करके वीडियो क्रिएट करना। सो इसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है बैक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने फेवरेट सिलेक्ट किया हुआ है। सो ये फ़िल्टर आपको लाने से पहले आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। आपको डायरेक्ट मोड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको स्टिकर पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको ये फ़िल्टर शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा चला लेना है, या आप बैक कैमरे से भी वीडियो क्रिएट कर सकते हो इसी फ़िल्टर का यूज़ करके। देन आपको यहाँ पर टैप कर देना है, और आपकी रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। अब आप बोलना स्टार्ट कर दें, आप जिस भी तरीके की वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। सो यहाँ पर जैसे मैंने एक वीडियो क्रिएट की है, इसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे, आपने जो वीडियो बनाई है यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। देन यहाँ पर नीचे सेव पर क्लिक करना है, और आपकी ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। आपको यहाँ पर वीडियो को सेंड नहीं करना है, अगर आप वीडियो को सेंड कर दोगे तो ये स्नैपचैट पर यहाँ पर शो हो जाएगी, यानी स्नैपचैट पर चली जाएगी। सो यहाँ पर हम आ जाएंगे, बैक डिस्कट कर देंगे, और यहाँ पर आपको कई सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, लेकिन मैं जो फ़िल्टर्स यूज़ करती हूँ ये वाला फ़िल्टर मैं यूज़ करती हूँ। इस तरीके से स्नैपचैट एप्लीकेशन से इस तरीके का फ़िल्टर ऐड कर सकते हो अपने फेस पर। और मैंने अभी तक इस तरीके के फ़िल्टर की वीडियोस YouTube पर नहीं देखी है। ये जो मैंने फेस ऐड किया है, ये मेरा खुद का आइडिया था। ये मैंने खुद ने यहाँ पर सोचा, दिमाग लगाया कि किस तरीके से मैं अपने फ़िल्टर को, यानी अपने फेस को मैं हाइड करूँ, कैसे मैं अपने चेहरे को छिपाऊँ। मैं कभी देखती थी कि मैं अपने चेहरे पर मास्क लगा लूँ, या यहाँ पर इस तरीके से नकाब बांध लूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन ये सब आइडिया जो है फेल हो चुके थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैं अपने फेस को छुपाऊँ। तो मैंने स्नैपचैट पर ये फ़िल्टर देखा, और मुझे ये फ़िल्टर पसंद आया, और मैंने सोचा क्यों ना इस फ़िल्टर का यूज़ करके ही मैं वीडियो बनाऊँ, और लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि ये आइडिया न्यू है। अभी तक यूट्यूब पर कोई भी इस तरीके के फ़िल्टर का यूज़ नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हो अपनी वीडियो में फ़िल्टर का यूज़ करना, तो आप स्नैपचैट से यहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। सारे लोगों का ये भी सवाल रहेगा, बहुत सारी सिस्टर्स कहेंगी कि इस तरीके का अगर हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे अपने फेस पर, तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा? तो इसका जवाब है यस, ऑफ कोर्स आपका चैनल मोनेटाइज होगा, क्योंकि आपने सिर्फ फ़िल्टर का यूज़ किया है। आपकी आवाज़ खुद की है, आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद की है, आपका बैकग्राउंड खुद का है, तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो इस फ़िल्टर का यूज़ करना, और इस तरीके की वीडियोस क्रिएट करना, और अपने चैनल को ग्रो करना, तो आपको डेली वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको डेली वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। सो आप इस तरीके से फ़िल्टर का यूज़ करें, और कैमरे के सामने आइए। आपका चाहे कोई भी रीज़न हो फेस को हाइड करने का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल्स है, आप कुछ यहाँ पर शो कराना चाहते हो, अपनी ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हो, आप लोगों को सिखाना चाहते हो, तो आप ऑफकोर्स रियली आप यहाँ पर यूट्यूब पर आइए, और अपने अंदर की स्किल्स यहाँ पर शो कराइए, और लोगों
लोगों को यहाँ पर सिखाइए। बहुत सारे जो है यूट्यूबर्स हैं जो अपने खुद का रियल फेस यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ होती है, कुछ लड़कियाँ होती है, जैसे मेरी तरह कुछ लड़कियाँ होती हैं जो अपने फेस को शो नहीं कराना चाहती हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, वो इस तरीके से वीडियोज़ बनाइए और फिल्टर का यूज़ कीजिए, तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज होएगा और अपने चैनल को ग्रो कीजिए और उन्हें भी, घर वालों को भी आप प्रूफ करके दिखाइए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर स्किल्स की कमी नहीं है, बस हमारा जो थोड़े से रीजन्स होते हैं उसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आपके कोई इशू नहीं रहेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और आपका अगर कोई भी सवाल है तो बेझिझक आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सवाल का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे और जितना हमसे आपकी हेल्प बनेगी उतना आपकी हेल्प करेंगे। सो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।